लखीमपुर खेरी में जो हुआ पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तम प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आजादी किसने दी? जिस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है, किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है आज भी। ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आजादी।